एक लफ्ज भी तशरीह और तफसीर मकसूद है। शुरू के अंदर अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मरहूम ने दो शेर पढ़े, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, ऐ नौजवान मुसलमान कदे सोचा भी है गौर फिक्र भी कीता है, वो क्या गर्दन था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, ओ केड़ा आसमान सी जिदा तू एक टूटा हुआ तारा है, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तेनू अपने आबाओ अजदाद दे नाल कोई निस्बत नहीं है, कि तो गुफ्तार वो किरदार, तू सिर्फ जुबानी गल्लां करदा है अमल दे विच कुछ नहीं, जदों के तेरे आबाओ अजदाद ओ सी जिन्हां दी अमली जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास और ठीक ठाक सी, तू साबित वो सयारा, तू एक जगह ते जमया हिलदा नहीं, तेरे अंदर हरकत नहीं, जदों के दुनियावी जिंदगी दे अंदर दीन और दुनिया की कामयाबी हरकत का तकाजा करती, तू साबित इक्को ही जगह ते जम जान वाला, और तेरे आबाओ अजदाद वो सयारा, वो इदा चलते फिरते जिस तरह आसमाना ते सयारा चलता है। कुरान पाक की एक आयत करीमा का एक जुमला तुहाडी खिदमत तिलावत कीता है, इहदे विच एक लफ्ज़ आ रहा है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, युसिरून असर तो लफज बने हैं, अलीफ सारा असी असर कहने हैं, किसी चीज़ की तासीर नू असी कहने हैं, यार फलानी दवाई खाधी बड़ा असर होया, लेकिन कुरान पाक का असर हो रहा है। कुरान पाक दे अंदर लफ्ज़े असर चार मानियां दे विच इस्तेमाल होया, उन्ना चार मानियां दे विचों मैं सिर्फ एक माने ते अपनी गुजारिशां अर्ज़ करनियां ने। कुरान पाक दे अंदर ये लफ्ज़ असर और आसार, इहदी जमा आसार निशानी और अलामत दे माने च भी आया है। आसार और असर खबर दे माने च भी है, इत्तला दे माने च भी। आसार और असर नक्शे कदम दे माने च भी है, कि हम उनके आसार पर चलेंगे यानी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। कुरान पाक च नक्शे कदम वास्ते सूरा यासीन दे पहले रुकू की आखिरी आयत करीमा च इहदा जिक्र होया है, व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, जो कुछ इन्होंने आगे भेजा हम वो भी लिख रहे हैं, जो पीछे नक्शे कदम छोड़ आए हैं वो भी लिख रहे हैं, पिछलियाँ कौमां वास्ते की तरीका छड़ के आए ने चंगा या माड़ा वो भी असीं लिख रहे हैं। और मैं चौथा माना उहदे ते कुछ अर्ज करना है, कि असर दा माना तरजीह देना, ये भी कुरान पाक च मौजूद है। कुरान पाक च अल्लाह ने इशारा फरमाया
सूरा यूसुफ के अंदर कि पिरा जदों यूसुफ अलैह सलात व सलाम के सामने हाजिर हुए उन्होंने कहा लकद आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह ने तुझे हमारे ऊपर तरजीह दे दी है। इत्थे तरजीह दे माने च तुसिरून अल हयात दुनिया, तुसी दुनिया की जिंदगी नूं तरजीह दे चुके हो। और जिहड़ी आयत करीमा मैं शुरू च तिलावत कीती उत्थे कुरान पाक ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन वास्ते ये लफज इस्तेमाल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। वलौ कान बिहिम खसासा, बेशक आप अपने आप नूं उस चीज़ की बहुत लोड़ होवे फिर भी वह दूसरे का ख्याल करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, मक्का शरीफ छोड़ दिता, दीन दे तकाजे नाल छड्या, इनू हिजरत किया जाता है, हमेशा वास्ते छड्डण नू हिजरत कहिंदे ने। कोई बंदा दो साल काम करन वास्ते सऊदीया चला जाए इनू हिजरत नहीं कहिंदे, कोई पाँच दस दिन वास्ते इधर उधर हो जाए तो इनू हिजरत नहीं कहिंदे। हिजरत किया जाता है कि तकाजा दीन दा होवे दुनिया दा ना होवे, अपने वतन नूं हमेशा वास्ते छड्ड जाए। ये दुनिया च तीन बड़िया हिजरतां होईयां, मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ सब तो बड़ी हिजरत हुई, पूरा मक्का शरीफ खाली हो गया, मुसलमान सब छड़ के चले गए। जिथे इमामुल अंबिया भी छड़ के चले गए तो पिछे रह की गया वक्त। नंबर दो, पाकिस्तान जिस वक्त कायम होया, इंडिया चो पाकिस्तान च दुनिया आई, मुसलमान आए, बहुत बड़ी हिजरत हुई है। ये तारीख दी इस्लामी तारीख दी दूसरी बड़ी हिजरत है, इन्नी तक बड़ी तादाद मुसलमानों की कदे हिजरत नहीं हुई। मदीना शरीफ, तकसीम पाकिस्तान, तकसीम हिंद, क़याम पाकिस्तान। तीसरी हिजरत रूस के हमले तो बाद अफगानिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान च आ गए, ये तीसरी बड़ी हिजरत सी, 30 लाख बंदा मुसलमान पाकिस्तान च आके बैठ गए। बाकी छोटिया छोटिया हिजरत हैं, 100 बंदा चला गया, 200 चला गया, 1000 चला गया, 5000 चला गया। ये तीन हिजरत उम्मत मुसलमान दियाँ सब तो बड़िया हिजरत हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुँचे, सब तो बड़ा मसला मुहाजरीन का मसला है। ऐ दुनिया का तरक्की याफ्ता जमाना नहीं सी, सादा जिहा जमाना है, महदूद वसाइल ने किदा संभालिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन जेड़े मदीना शरीफ दे सी उन्हां दी एक लाइन लगा लई, जेड़े मक्का शरीफ चो आ गए सी उन्हां दी एक लाइन लगा लई, एक इधरों पकड़ना एक इधरों पकड़ना, कसे भाषा कोई है कोई तकसीम दे विच सोच विचार नहीं की गई भी ए इदा नहीं किया, एक इधरों पकड़िया किधरों पकड़िया, दोनों पकड़ के आप फरमा देंदे सी कि तुसी दोनों आपस भाई भाई इसको अपने घर ले जाओ। वो घर लै गए, उन्होंने वो मिसाल पेश कर दी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक जुमले ते, एक फरमान ते कि ये तेरा भाई है, इन्हों घर लै जाओ।
कि तारीख आलम दे अंदर सके पिरामा चौधरी मिसाल है नहीं। आदम अलैह सलात व सलाम दे बेटियां ने सके पिराने सके नु कतल कर दिता किदे पिछे औरत पिछे मसला औरत शादी वो कहना मैं करवानी है उन्हें क्या मेरा हक बनता है उन्हें कहा हक तो बाद की गल है तेन ताकत दसांगे किदे कोल मसला ताकत नाल हल करन दी कोशिश की थी। यूसुफ अलैह सलात व सलाम नो उन्होंने पिरावान ने पैगंबर की औलाद हज़रत आदम के बेटे भी पैगंबर की औलाद ये भी पैगंबर की औलाद चुप के पिराव खूबसूरत लेकिन मेरे कमले वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एदा कबीला कोई एदा कबीला कोई ए कोई ए कोई कबीलियां दा फर्क है वतन दा भी फर्क है सिर्फ ही कोई रिश्ता मौजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बस ए रिश्ता है फरमाया तू एदा पिरा है कर ला गए ऐ लकीर लगा देती इन्हां विचों जिहड़ा तेनों पसंद है ना वो तू लै लै अखबारां च पढ़दे हो कि नहीं कि भरा ने भरा कतल कर दिता ना ना पुत्र ने अपने अबे नूं ही कतल कर दिता जायदाद पिछे जायदाद पिछे कतल हुंदे पाकिस्तान दे अंदर भरा तो भरा पुत तो अब्बा ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਿਰਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਿਰਾ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਿਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤੌਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਹੈ बाग च लै गए लकीर ला दी अद्धा मेरा अद्धा तेरा तू मेरा भाई जेड़ा तेनू पसंद है वह लै ला मैं ये नहीं कहना भी आ मेरा तेरा नहीं जेड़ा तेनू पसंद है वह लै ला ताकि तेरे दिल च ये ना हो शायद लकीर लाने डंडी मारी है जेड़े चंगे दरख्त वो इधर कर लै हो जे मंदे दरख्त वो इधर कट दते हो नहीं जिड़ी तेनू पसंद है वह लै ला इस तो भी उतला वाक्य है बीवियां सामने कर दिया इन्हें चो जी तेनों पसंद है मैं इशारा कर दे मैं उन्होंने तलाक दे दाँगा तू तो निकाह कर तारीख आलम च मिसाल मेरे कमले वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन नो मौका बा मौका अपनियां दुआवां तो नवाजते रहते सन और मुहाजरीन सर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन दा ख्याल रखते हुंदे हुंदे सन सन चार हिजरी आया रबीउल अव्वल दा महीना आया तुसी तां रबीउल अव्वल अपने अपने अंदाज दे अंदर मनांदे हो पर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात तय्यबा दे अंदर छे वारी रबीउल अव्वल आया ते आप रबीउल अव्वल दे अंदर जिहाद दे अंदर मसगूफ सन छे रबीउल अव्वल इदां दे उन्हां दी तफसील मैं कि रबीउल अव्वल दे जुमे अर्ज कर चुके हैं किड़े किड़े साल चो रबीउल अव्वल आया जो आप जिहाद मसरूफ रहने ते एक रबीउल अव्वल सन चार हिजरी च भी आया मदीने शरीफ के करीब बस्ती सी यहूदियां दी बनू नजीर उन्होंने कहा जाता सी उन्हां दा मुसलमानां नाल मुआहदा सी असीं तुहाडा बंदा नहीं कतल करना तुसीं साडा नहीं कतल करना असीं तुहाडे खिलाफ हमायत नहीं करनी तुसीं साडे खिलाफ हमायत नहीं करनी मुआदा कर लिया उस मुआदे दे बाद यहूदियां दे बंदे ने मुसलमानों का बंदा कतल कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बंदे कतल किए ने दियत दियो
या कतल दा बदला कतल या दियत, दोनों चो एक चीज़ इधर करो। आप फैसला करने वास्ते उन्होंने गलबात कर तशरीफ लै गया, उन्होंने कहा आओ गल कर दें। तो यहूदी बड़ा पुराना साजिशी है, पूरी रूए जमीन ते खुदा की धरती ते यहूदियों नालों साजिशी कौम वड्डी कोई नहीं, सब तो वड्डी साजिशी कौम है। आका नूं बिठा दिता, जिहड़े मकान दे नाल बिठाया दीवार दे उत्ते पत्थर रखते भी जदों बैठे हुण ना पत्थर सुट के खत्म कर, कल खत्म। पर उन्हां कौन दसे भई ये जिहड़ी साजिश तुसीं तैयार कीती है, जिहदे खिलाफ तैयार कीती है, ये सिर्फ मुहम्मद ही नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह दे नबी ने। किसे दे राबते जी एच क्यू नाल होणगे, किसे दे वजीरे आजम नाल होणगे, किसे दे सदरे पाकिस्तान नाल होणगे, किसे दे डांडे अमरीका नाल मिलदे होणगे, किसे दे किसे होर नाल मिलदे होणगे, उन्हां नूं इन्ना ते फखर होएगा मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा डायरेक्ट कनेक्शन वहीए इलाही दे जरिए अल्लाह दी ज़ात नाल। जिबरील अमीन आ गए, सलाम पेश कीता, आका इत्थों उठ जाओ, क्यों? बस हुण सकिंटां दी गल है, मिंटां दी नहीं है, इत्थों उठ जाओ, तुहाडे खिलाफ साजिश हो चुकी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौरन उठे, उन्होंने समझिया भी शायद कोई तबी तकाजा है, कोई पेशाब करना है, कोई होर जरूरत है जाती, तां उठे ने। आप उठे, उठ के वापस तशरीफ लै गए। हजरत आओ गल तो सुनो, उन्होंने कहा हुण बाद च सुनांगे। वापस तशरीफ लै, सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया तैयारी करो, बनू कुरैज़ा दा मुहासरा करो, चल के इहदा इहनूं गोल घेरा पा लो, इहदा मुहासरा करो, ना निकलन देना, ना आन देना, ना जान देना। गलबात तय हुई, तय दे होण दे विच इह आया कि असीं जी पुर अमन तरीके नाल इलाका फारग कर दिंदे हां, तुसीं इहदे ते कब्ज़ा करो, लेकिन एक चीज़ है, साडा बंदे नूं कोई नुकसान ना पहुँचे, साडे समान नूं नुकसान ना पहुँचे, असीं अपना समान नाल लै जांदे हां, असीं अपने बंदे नाल लै जांदे हां। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मंजूर है, कबूल है, लै जाओ अपना समान। समान लै गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वेले सफाई हो गई, सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, आपने मुसहाबा की ड्यूटी लगाई, चक्कर लगाओ, देखो इलाका क्लियर हो गया, उन्होंने कहा जी क्लियर है। आपने फरमाया तो कब्ज़ा करो, अपने झंडे लहराओ, कब्ज़ा करो। हुण इहदे विच दोनों तबके सी, मुसलमान भी, अंसार सहाबा भी, मुहाजरीन भी, दोनों ने मिल के उत्थे मुहासरा किया। हुण उन्हां मकानां ते जिहड़ा कब्ज़ा होया, उन्हां दे बाग़ात ते जिहड़ा कब्ज़ा होया, होर कोई चीज़ां जिहड़ियां उह छड्ड गए, उहदे ते कब्ज़ा होया, उह सी माले गनीमत तकसीम करना सी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठो, बह गए सारे अंसार सहाबाए किराम भी, मुहाजरीन भी, फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए। फरमाया एक तुहाडे नाल गल करनी, करो। आखिर अंसार सहाबाए किराम केड़े केड़े ने, हथ खड़ा करो, खड़ा कर। फरमाया तुहाडे नाल गल है, तुसीं चाहते हो माले गनीमत बराबर सराबर तकसीम कर देना, शरीयत यही कहती, दीन यही कहना, चाहते हो तो तकड़ी फड़ लेना, तोल देना बराबर सराबर, ठीक है, तुहाडा हक है। तो जे तुसी ये चाहो तो ये मुहाजर बेचारे लुटे फुटे आए ने, ये इन्हां दे विच तकसीम कर दिना, तुहाडे हक च मैं दुआ कर दिना। जे कहिंदे हो ते मकान तुहाडे च तकसीम कर दिंदा, ते जिहड़ा समान आ उह इहनां च तकसीम कर दिंदा। ते अंसार सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ कीती,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जड़ियाँ तुसी कैटागरियाँ बनाईया ने कि इन्हां नूं दे दिंदा, आ इन्हां नूं दे दिंदा, ए तुहानूं दे दिंदा, ठीक है, तुहाडी शफकत है, तुहाडी मुहब्बत, ते जे तुसी साडा दिल खोल के वेखो, पुछ के साडे कोलों वेखो साडा अंदर की चाहुंदा है। आका ये तो है ना, वो जिहड़ा दुश्मन का समान है, तो जिहड़े साडे घर आ वह भी इन्हां नूं दे दिओ ते असीं इहदे ते भी खुश बैठे, सानू ये भी कोई इतराज़ नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे कमले वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम ने जदों ये गल आखी, जिबरील अमीन नो आवाज पै गई अरशा ते, जिबरील लब्बैक या जलील, मैं हाजिरा, फरमाया जल्दी आ ते जल्दी जा, किथे जावा, फरमाया मदीना शरीफ, सुभानअल्लाह, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च हाजिर हो जा, या अल्लाह लेके की जावा, फरमाया सूरतुल हशर आयत नंबर 9, वायुसिरूना अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपने आप को पीछे कर छड़दा है ते दूजे पिरावां नूं सामने रख लैंदा है। मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए भी इन्हां ने भी गल बड़ी सोहनी कीती ते रब वल्लों ताईद भी नाजल हो गई कि यह वो तबका है जिहड़ा अपने आप ते दूजियां नूं तरजीह दिंदा है। ईसार और कुरबानी, अल्लाहु अकबर। इस तो अगे नुकता चलिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा दी नमाज पढ़ा के फारग होए, हजरत अबू तलहा एक रिवायत, साबित बिन कैस दूसरी रिवायत, दो रिवायात के मुताबिक दो सहाबा इकराम के नाम मिलते हैं, उन्हां विचों एक आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी मजहूद। जे तो होवे बंदा भुखा उहदे वास्ते लफ्ज़ अरबी होर ने, इन्नी जायन मैं भूखा हूं, ते जहूद उहनू कहिंदे ने, मजहूद उहनू कहिंदे ने जिहदी जान नहीं निकली बाकी पिछे कुछ नहीं रह गया। आका इन्नी मजहूद, मैं बेबस हो गया, मेरे अंदर कुछ नहीं रह गया, मेरे वास्ते को खान का बंदोबस्त करो। तवज्जो करना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी नूं कहा, जा मेरे घर च पता करके आ। अम्मा आयशा दा दरवाजा खटखटाया, मां जी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जे कोई है खाने वास्ते चीज ते दियो। उन्हें कहा, पुत्र लम अजिद इल्ला मा, पानी तो बगैर कुछ नहीं, पानी होर कोई शह नहीं, दूसरे घर चो पता किया कोई शह नहीं मिली, तीसरे चो पता किया, अजवाजे मुतहरात के घर का चक्कर लग गया, कोई शह नहीं मिली। नात खान कहता है, अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते कुरान की कहता है, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ध, कुरान है, बंदियां दे कलामां ते जिहड़े अकीदे बनाउंदे ने ओह जानण ते उहनां दा कम जाने, अकीदा कुरान तो बनदा हुंदा है, अकीदे कुरान नाल बनदे ने, ईमान कुरान नाल बनदा है। आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदा भुखा, करो पता कराओ कुछ नहीं, तो फिर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया जेड़े बैठे सन 5-10-15 फरमाया मन युज़ीब हाज़िहि लैला, इनू कौन मेहमान बनाएगा, केड़ा ले जाएगा, केड़ा अपने घर सुलाएगा, केड़ा इनू रात का खाना खिलाएगा, जेड़ा बंदा भी ये काम करेगा। फरमाया रहमहुल्लाह, मैं दुआ करता हूँ दे हक दे अंदर अल्लाह उदे ते रहम करे। एक सहाबी ने फट आ यार मेरे नाल हाथ फड़े हाथ लै गए, घरवाली नूं पुछया बीबी दस कोई घर दे विच अल्लाह दी बंदी खाण वाली शै, वह कहन लगी है तो सही जे तुसीं ते बच्चियां ने खानी है तो फिर ये नहीं जे खा सकता, जे फिर इन्हें खानी है तो फिर या तुसीं भुखे या बच्चे भुखे, दोनों चों एक फैसला करना पैणा। हुण जदों साडी गलबात हुंदी है किसे नाल असीं कहने यार मेरे बच्चों का भी सोच, तू अपने की गल करी जाना, किसी को पैसे लेने हो यार मेरे बच्चों का कोई नहीं मसला सोचना, तू तेरावां की गल हो वंडी वडाई की यार मेरे नहीं बच्चे है गए, तेरे बहुते बच्चे हैं, इधर बच्चे नहीं है गए, मुस्तफा का मेहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चे हैं, इधर मेहमान है कोई कसे भाषा कोई बंदा है। तो अहलिया कह लगे भी तू तैयार कर जड़ी चीज़ भी है तो खान बैठा, इन्हें कल्ले ने खानी कोई नहीं, इन्हें मैं लाजमी कहना कि चल यार मैंने रोटी खा, इन्हें कल्ले ने नहीं खानी, जे मैं क्या भी थोड़ी है ऐदा ऐदा इन्हें कहना कोई गल नहीं बचा दें, मैं एक लुकमा ला लैना बाकी दूसरे को दे दो, तो आप ओला रखना है इनू रजाना है क्योंकि ये मुस्तफा का मेहमान है, इनू रजाना है, बच्चे भुखे रखा गया तो इदा करी मैं ये नाल खान लग जावगा, तू आके ना दीवे की लैट बत्ती सही कर, हूँ तो पता नहीं दीवा भी इन्हों समझ आता कि नहीं, जेड़े दरबार दरबूदान जालते हो गए उन्होंने तो शायद समझ आता हो, बाकी तबके तो उदा ही भुल गए होने दीवा की होंगे, तो वह दीवा बत्ती यदि ठीक कर लगे चिराग की बत्ती बुझा छी नेरा कुप हो जाएगा, मैं एवं वो बैठा थोड़ा बहुत हाथ हिला रवाना हरकत करता रहागा और रज जाएगा तो बर्तन चुग लो। इस तरह होया सुबह हो गई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिरी हो गई, कुरान की आयत नाज़िल हो गई, वयुसिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। एक शाने नजूल वो सी जिहड़ा दस दिता, दूसरा शाने नजूल यह है वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, फरमाया उरिया यार उरिया, अखे हाँ जी, फरमाया जो कुछ तू अपने मेहमान दे नाल कीता है रब नूं बड़ा ही सोहना लग्या जी। अजब अल्लाहुम्मा सना ज़ईफक, जो तू अपने मेहमान दे नाल कीता है मालिक नूं बहुत सोहना लग्या है, ते अर्श वाले ने अपने पर अपने रसूल यानी अपने फरिश्ते नूं पैगाम पहुँचाने वाले नूं अल्लाह ने भेज के तेरे हक दे अंदर कुरान नाजल कर छड़िया। यो सिरूना ला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो दूसरियां नूं अपने उत्ते तरजीह दिंदे ने, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहन लगे एक सात घरां दी बस्ती सी सहाबा इकराम, यह पहाड़ी इलाका है मदीना शरीफ भी मक्का शरीफ भी, जेडे हुण भी पहाड़ी इलाके ने जाके देखो दो दो तीन तीन घर कट्ठे ने, ओ ने ओ ने ओ ने ओ ने
जेड़े हजरात कश्मीर दी मानसेरा टाबाद वगैरह इधर दी इलाके चतराल वगैरह दी सैर व सियाहत करते रहते हैं मरी वगैरह जाने नूं पता है भाई दो कौ मकान ने फिर आओ ने फिर आओ फासले ते ने ते सत घर कट्ठे किसे ने श्री उन्हें कहा यार मेरे घर वध हुए ए चलो इन्होंने घर भेज दें श्री उन्होंने घर भेज दिती उन्हें कहा यार शायद मेरे नाल वाले नूं बहुत ही जरूरत होवे उन्हें नाल वाले घर भेज दी उन्हें कहा यार शायद मेरे घर बहुत ही लोड़ होवे और नाल दे दे घर बहुत ही लोड़ होवे उन्हें नाल दे दे घर भेज दी ते हदीस दे विच लफ़ज़ ने सब आतु अभियात सत घर सी सत घरां दे विच श्री चक्कर खा के फिर पहले घर जाना दीन आलियां दे विच अपनियां अखां नाल इह मंजर देखिया किसे जमाने च बई एक प्लेट है कई बंदे खाण वाले ने उहदे विच आलू ने एक दो बोटियां ने खाण वाले बंदे आलू आप खा रहे ने बुरकी दे नाल ओह गोश्त दा टुकड़ा थोड़ा जिहा परे नूं खिसका दिंदे ने वी मेरे नाल वाला साथी खा लै इत्थी पाकिस्तान च देखिया ते उसे पाकिस्तान च हुण वी देखिया कि एक ऐलान होने की लोड़ है या ठक 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 बर्तना के ढक्कन ला के थले रखने की लोड़ है उस तो बाद की होंदा है ते कदे एक अद्धी वारी किसी दावत खड़े होकर वेखियो परे खड़े हो जाओ वेखियो फिर की मखलूक की कर रही उहदे विच हाजी भी वेची ने नमाजी भी वेची ने कारी भी वेची है हाफिज़ भी वेची है आलम भी वेची ने मुफ्ती भी वेची ने सारा तबका ही उहदे विच है और अमीर भी उहदे विच ने गरीब भी ते फिर उत्थे देखिया देखण दे काबिल हुंदा है कि आया ऐ तबके नूं मुसलमान कहा जांदा है इह इदां दा खाण दा तरीका इहनां दा यानी जिस तरह जिंदगी दे विच उह खाण वाली शै कदे देखी ही नहीं है लेकिन सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन जंगे यरमूक एवें नहीं कुरान ने वयू सिरून दा लफ्ज़ इन्हां वास्ते कहता ये सिर्फ क्या नहीं है सनद है मोर ला छड़ी अर्श वाले ने कि सारी दुनिया दियां नीयतां ते किरदार च फर्क हो सकता है जिन्हों तुसी चंगा को हो सकता है चंगा होवे या ना होवे लेकिन जिन्हों अर्श वाला कहता है वह युसिरूना ना अनफुसिहिम ओदे ईसार च कोई शक नहीं है जंगे यरमूक जंग हो गई खत्म हो गई शुहदा दियां लाशां पईयां एक हुण भी हजरत शहीद होने का ऐलान कर रहे हैं कितने इस्लामाबाद की असैंबली के सामने शहीद होना तो फिर जरा कश्मीर वल नूं रुख करो हजरत फलस्तीन वल नूं रुख करो गैबाना जनाजा भी पढ़ दें इस करके जरा इधर नूं रुख करो कश्मीर शहादा दियां फरिश्तां उत्थे पड़ रही हैं खैर और शहीद का कफन भी कोई नहीं होता जड़ा असली शहीद है वह कफन नहीं होता उन्होंने कपड़िया ही दफन किया जाता हौसल भी कोई नहीं होता जड़ा असली शहीद होता उन्होंने इतना ही दफन किया जाता कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया हजरत जी इन्हों का की करना जो पहले शहीद होए आपने फरमाया इतना ही दफन करते हो ये रब के दरबार से इस तरह ही कपड़े तो खून लेके हाजिर हो मेरे कमले वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम हजरत हुज़ैफा भी कहन लगे जंगे यरमूक च मेरा भतीजा पिया जे कहिंदे उहदी नज़र पई कहिंदा चाचा पानी कहिंदे मैं पानी लैके उहदे कोल गया ते अग्गों एक बंदा पिया सी हशाम बिन आस उहने कहा हाए पानी ते मेरा भतीजा कहिंदा चाचा अग्गे नूं बुलाया उहनूं बुलाया पहिलां कहिंदे जदों मैं हशाम बिन आस दे कोल गया ते उहदे परे जिहड़ा कोई पिया सी उहने भी आवाज़ लगाती ओए पानी कोई होया ते दे दिओ कहिंदे मैं उहदे कोल गया ये शाम कह लगा यार उन्होंने पहला पिला दे मैं बाद पिला इशारा किया को चला कहते मैं वो पहुंचया कदमात रूप प्रवास कर चुकी कहते फिर मैं नसिया आया हशाम बिन आस दे कोल
कदमात रूह परवास कर चुकी सी। कहने मैं भतीजे को लाया उदी रूह भी परवास कर चुकी सी। ऐसी उम्मत मुसलमान ऐसी असी ऐसी साढ़े आबाओ अजदाद ये है साडा दीन ये है साडा मजहब ये है साडा किरदार। असी इनू छड़ के लालच दे विच आके होर रस्ते ते निकल गए। अल्लाह मैनू भी तुहानू भी तौफीक नसीब फरमाए। वाह।